गोरखपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के नव नियुक्त शिक्षक स्वागत समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम अचल सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, गोरखपुर शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, महामंत्री डॉक्टर ध्यानेन्द्र नारायण दुबे, मंत्री डॉक्टर विजय चहल सहित संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद छात्राओं ने कुल गीत की प्रस्तुति की। इस मौके पर अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह भेंट करके किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के अध्यक्ष नव नियुक्त शिक्षकों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की और शिक्षक संघ के कार्यकारिणी द्वारा गत वर्ष किए गए कार्यों का विवरण दिया। वहीं मुख्य अतिथि ने भी नवागत शिक्षकों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें ईमानदारी और निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य करने की बात कही। मैं
मैं प्रिंसिपल जी से निवेदन करूंगा उन बाधाओं को भी दूर करते हुए जो बचे हुए हमारे विभाग के साथी उन साथियों को भी आप लाने का प्रयास करेंगे। उस दिशा में सर लगे हुए हैं, संभव है जल्द ही उस प्रक्रिया को भी पूरी करने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो पदोन्नत का है, पदोन्नत की तो वो प्रकाशन है, क्या बताऊं, बगैर किसी टेक्निकल बाधा के कई शिक्षकों की पदोन्नतियां विगत 7-8-10 वर्षों से लंबी थी, लगता ही नहीं था कि शिक्षकों की पदोन्नति हो पाएगी। ऐसे कठिन पदोन्नतियों को भी माननीय कुलपति जी ने अपने सहकर्ता से अपने नियति से माननीय गुरुओं से परिपूर्ण माननीय कुलपति जी ने उन सभी की पदोन्नतियों को संपन्न कराया, इसके लिए वे कुलपति जी बधाई के पात्र हैं। मात्र जो मेरे नारायण में मात्र दो शिक्षक ऐसे लगे जिनकी पदोन्नत अभी नहीं हो पाई है, डॉक्टर विजय चाह जो सारी शिक्षा में उनकी भी चयन तिथि लगी हुई थी, लेकिन एक वैधानिक कारण से कुलपति जी को गोरखपुर में नहीं रहना था, इसलिए वह चयन समिति टाल दी गई। पुनः चयन समिति होगी ऐसे बचे हुए हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट के डॉक्टर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी, उनका भी अभी शायद अक्टूबर में ड्यू है, तो ये प्रयास किया जाएगा कि उनकी भी पदोन्नत समय से हो जाए। साथ ही साथ जिनों मिल जाए तो व्यक्ति को सम्मान देती है, तो जितने भी हमारे नवागत शिक्षक बंधु या बहने हैं उनमें श्रद्धा है, उनमें नम्रता है, उनमें योग्यता है, इसलिए वो सम्मान के पात्र हैं, पात्र नहीं बल्कि सुपात्र हैं। अभी 4-5 दिन पहले इसी कक्ष में उन बंधुओं का सम्मान समारोह हुआ था और उसका मैं प्रत्यक्ष दर्शी भी रहा हूँ, तो इसलिए जिसके अंदर गुण है उसका सम्मान होगा ही, विश्वविद्यालय करेगा, अन्य सामाजिक संगठन करेंगे और व्यक्ति भी करेंगे। हम सब भाग्यशाली हैं कि मनुष्य जीवन में पैदा हुए, अगर पशु पक्षी जीवन में पैदा हुए होते तो शायद ये अवसर न मिलता न सम्मान का न आप लोगों से कुछ बातचीत करने का। मनुष्य को प्रकृति ने एक अनुपम भेंट दी है जिसको मस्तिष्क कहते हैं, जिसको सुपर कंप्यूटर भी आप कह सकते हैं, और मस्तिष्क की सहायता से ब्रह्मांड के बारे में अनेक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम सब क्योंकि शिक्षक हैं इसलिए कुछ न चिंतन मनन करते ही हैं, शायद ही कोई शिक्षक हो जो चिंतन मनन सोच विचार न करता हो, और जब हम सोच विचार करेंगे चिंतन करेंगे तो उसको शब्दों में व्यक्त करेंगे, और जब हम शब्दों में व्यक्त करेंगे तो उसके अनुसार हम कार्य करेंगे, और जैसा हम कार्य करेंगे उसी के अनुसार हमारा स्वभाव बनेगा, जैसा हमारा स्वभाव रहेगा उसी के अनुसार हमारी आदत बनेगी, और जैसी हमारी आदत रहेगी उसी के अनुसार हमारा चरित्र बनेगा, और उसी के अनुसार हमारे जीवन के आदर्श होते हैं। इसीलिए कहते हैं नजर रखें अपने विचारों पर क्योंकि वही शब्द बनते हैं, नजर रखें अपने शब्दों पर क्योंकि वही कार्य बनते हैं, नजर रखें अपने कार्यों पर क्योंकि वही स्वभाव बनते हैं, नजर रखें अपने स्वभाव पर क्योंकि वही आदत बनते हैं, नजर रखें अपने आदत पर क्योंकि वही चरित्र बनते हैं, नजर रखें अपने चरित्र पर क्योंकि वही जीवन के आदर्श बनते हैं। तो हमारे जीवन के आदर्श क्या होंगे इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा चिंतन मनन कैसा है, क्योंकि सभी आप बुद्धिजीवी हैं, शिक्षक हैं, चिंतन मनन करते हैं, इसलिए उसी के अनुरूप आपके जीवन के आदर्श होंगे।